स्टूडेंट्स, अगर आप सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीए बीएससी के किसी भी सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो के साथ कुछ पल ठहरिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आखिर एसकेएमयू के स्टूडेंट्स जो बीए बीएससी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से या झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लास करना क्यों जरूरी है, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कर भला तो हो भला, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं ऑनलाइन क्लास करना एसकेएमयू बीए बीएससी के स्टूडेंट्स को क्यों जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अभी आप जिस सेमेस्टर में होंगे बीए बीएससी के, और आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे बीए बीएससी आपके आसपास जो है दो साल चार साल आठ साल दस साल पहले कंप्लीट करके आपके भाई होंगे, बंधु होंगे, दोस्त होंगे, उनके भैया होंगे, आपके सिस्टर होंगे, आपकी भाभी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बीए बीएससी कर घर में बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? जैसे अभी आप बीए बीएससी कर रहे हैं, आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे आपके भी कुछ सपने होंगे, टीचर बनना है, नर्स बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, बीपीएससी का एग्जाम निकालना है, जेपीएससी का एग्जाम निकालना है, आपके जैसे सपने हैं उनके भी सपने थे आज से चार साल आठ साल दस साल पहले। आखिर बीए बीएससी करने के बाद उनका सपना ऐसा क्यों टूट गया, आज का वीडियो में हम यही जानेंगे और इसके रास्ते को भी तलाशेंगे कि इसका रास्ता क्या है, आखिर कैसे हो सकता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आज सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से बीए कर रहे हैं उनके अंदर वो डिग्रीधारी हैं, ज्ञानधारी बहुत कम है, बहुत कम है। आखिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपके जो पिछले चार साल आठ साल दस साल में जो बीए किए उन्होंने सिर्फ क्या किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट लिया, एग्जाम दिया, रिजल्ट लिया, एग्जाम दिया, रिजल्ट लिया, इस तरह उन्होंने चार साल आठ साल पहले जो भी अभी एसकेएमयू से बीए कर रहे हैं, शिक्षा की स्थिति पद्धति इतनी गिर चुकी है कि मैं कह नहीं सकता। ठीक है, क्लासेस होती नहीं है जो कि बहुत जरूरी है, जिसके लिए सरकार जो है लाखों रुपया प्रोफेसर को दे रही है लेकिन उसकी क्लासेस हो नहीं रही है। और आप बीए बीएससी के जिस भी सेमेस्टर में होंगे स्टूडेंट्स, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आप जिस सेमेस्टर में हैं उतने सेमेस्टर तक जो आपके अंदर जो सिलेबस था, सेमेस्टर अगर आप टू में हैं तो सेमेस्टर वन का जो सिलेबस था, जो आपके लेसन्स पढ़ने थे, जो आपके लेसन्स थे, वो लेसन्स आपके चार इंच के खोपड़ी में है। अगर है तो आप सही स्टडी कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आप सही स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, आगे भी इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो इस जगह पर जो है आपके जो पुराने स्टूडेंट्स ने उन गलतियों को की, अब देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एसकेएमयू के जो बीए बीएससी के हैं वो अब गांव में देहात में रहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं एसकेएमयू के अंदर में जहां पर कि शिक्षा की पद्धति की तो स्तर इतनी गिरी हुई है कि बच्चे यहां तक हो गए हैं कि आज जो है बहुत सारे बच्चे जो है क्लासेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटरनल एग्जाम जाके देते हैं, डायरेक्ट जाके फाइनल एग्जाम देते हैं। आप खुद से पूछिए क्या इस तरह की शिक्षा पद्धति से आपका जो है आपका भविष्य उज्ज्वल होगा? क्या आपको लगता है कि आपने जो सपने देख के रखे हैं जीवन में कि बीए बीएससी करने के बाद बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद हम टीचर बनेंगे, हम जेपीएससी निकालेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, इस शिक्षा पद्धति के आधार पर आप जिस भी सेमेस्टर में जितना तक आपने पढ़ा बीए बीएससी एसकेएमयू के अंदर, क्या आपको संपूर्ण सब्जेक्ट के क्लासेस मिले? क्या आप अपने संपूर्ण सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो लेसन्स हैं उनके पॉइंट आपके चार इंच की खोपड़ी में है? नहीं है, क्योंकि आप क्लासेस हो नहीं रही है कॉलेजेस में। अब जहां क्लासेस हो रही है बच्चे दूर रहने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि झारखंड में एसकेएमयू के अंदर 60% स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट कॉलेज से है,
प्राइवेट कॉलेज का शिक्षा का स्तर ऐसे गिरा हुआ है। आप जान रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे जो बोल रहे हैं इस बातों में कितनी सच्चाई है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए आपको देखिए यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आपको जो है अपने से खुद से तैयारी करना, और खुद से तैयारी तभी होगा जब आपके जीवन में एक गुरु होगा। और गुरु तो देखिए कॉलेज में क्लासेस होने रही है, तो स्टूडेंट्स जो है आपको ऑनलाइन क्लास की और इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में SKMU का ऑनलाइन क्लास जहां भी आपका सिलेबस का चलता है वहां पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन क्लास से होता है क्या, आपको सिलेबस वाइज जो है आपका क्लासेस दी जाती है। और सिलेबस वाइज जब आप क्लासेस दी जाती है वहां पर आपको जो है सिलेबस के अनुसार से वीडियो लेसन नोट्स PDF सारा चीज मिलता है। ठीक है, इससे आपका जो है पढ़ाई, आप जहां भी रहते हैं, आपका जिस कॉलेज में नाम है, क्योंकि आपको शिक्षा का स्तर ही है, आप जहां एडमिशन लिए हैं वहां शिक्षा का स्तर ही है, तो आप भी ऐसे पुराने स्टूडेंट की तरह गलती करता रहना चाहेंगे कि कुछ नया अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा ये सोचने वाले विषय है कि आपको ऑनलाइन क्लास क्यों जरूरी है। ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप पूरे अपने सिलेबस को जान सकते हैं, लेसन को जान सकते हैं, और जीवन में जो है एक ऊपर उठने के लिए लाइफ में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु आपको मिलेगा जो आपको पूरे सेमेस्टर को गाइडलाइन देगा। इसीलिए ऑनलाइन क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जहां भी हो, जिस जगह पर भी हो, अगर कहीं पे भी आपका BA BSc का ऑनलाइन का क्लास अगर चल रहा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये जरूरी है। और आपके जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, और स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि SKG ज्ञान ज्योति द्वारा भी BA BSc का ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, जिसमें कि हम आपको ऑनलाइन गूगल और यूट्यूब के हेल्प से ही हेल्प स्टडी देते हैं कुछ सब्जेक्ट के, हम समझ गए। तो इसमें होता है क्या है, पहले आपको वीडियो लेसन मिलता है आपके सिलेबस से, आपको फिर जो है नोट्स मिलता है उसका PDF के रूप में, फिर आपसे कहा जाता है कि आप देखिए ये आपका लेसन का वीडियो लेसन है, इसको आप हेडफोन लगाकर कान में 3 घंटे तक देखिए, 2 घंटे तक देखिए, 1 घंटे तक देखिए, 40 मिनट तक देखिए, वीडियो को डाउनलोड YouTube लाइब्रेरी में करके रख लीजिए, क्योंकि आपका ये सिलेबस का लेसन है। जब उस आप वीडियो को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं लव फॉर लव की स्टोरी क्या थी, आप समझ जाते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध क्या था, आप समझ जाते हैं कि इटली का एकीकरण क्या था, आप समझ जाते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है, अमीबा क्या है, ठीक है, तो आप रीतिकाल क्या है, ये सब आप समझ जाते हैं एक वीडियो देखने के बाद, एक विजुअल देखने के बाद। उसके बाद SKG ज्ञान ज्योति द्वारा उसका नोट्स दिया जाता है, और नोट्स के द्वारा आप जब नोट्स को पढ़ते हैं तो जो आपने विजुअल में देखा था वही चीज सही नोट्स में नजर आता है, जिससे आपके 4 इंची के खोपड़ी में आप सब बैठ जाता है। और फिर जब उन्हीं बातों को उन्हीं वीडियो लेसन और उसी PDF से आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है बद लिखने के लिए SKG ज्ञान ज्योति के द्वारा, और जब आपने अपने 4 इंची के खोपड़ी से जब आप लिखते हैं तो उस समय जो है अपने आप ब्रेन से लिखते हैं, उस समय आपको कोई नोट्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप अच्छी तरह से जो प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि जो है परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे, अपने उत्तर पुस्तिका में अपने प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखते हैं, और जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपका मार्क्स भी जो है एवरेज मार्क्स नहीं होता है बल्कि एक स्पेशल मार्क्स होता है, क्योंकि वह जो आपके शब्द होते हैं जो आपने खुद रचना की है, आपने खुद नोट्स बनाया है, खुद लिखा है, समझ के लिखा है, जो समझ के लिखता है वही, जो समझता है अपने लेसन को वही अपने शब्दों में लिख सकता है, तो आपका मार्क्स जो है 80% 90% से कम नहीं आएगा। इसीलिए SKMU को और जो भी स्टूडेंट्स हैं BA BSc के, उनको ऑनलाइन क्लास करना जरूरी है। देखिए SKMU का ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा सेमेस्टर 1 से 6 तक गाइडेंस मिलेगा। जब आप BA करके निकलेंगे तो आपके अंदर माइंड में, आपके अंदर देखिए BA का जो सिलेबस है जो अभी चल रहा है, आप नया NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुआ है, इसमें तो अद्भुत है। चलिए जो स्टूडेंट्स उसमें है आपने आपको बहुत लकी मानी है, क्योंकि इसने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की है, क्योंकि आप डिग्री करने के बाद आपके अंदर यूनिवर्सिटी इतनी सारी क्वालिटी भर देगी कि आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। मैं SKMU के और NAP का मैं बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं।
अभी बहुत सारे इस कॉलेजेज को एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है बीए बीएससी बीकॉम का वो समझ में नहीं आया। प्राइवेट कॉलेज की तो बहुत बुरी स्थिति है, प्रोफेसर नहीं है, जो नए नए सब्जेक्ट जो तीन नया सब्जेक्ट जो लाया गया है उसके लेक्चरर्स नहीं है, उसके सिलेबस अभी तक एसकेएमयू के वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है, तो स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन ये जो पद्धति है बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेनिंग एसकेएमयू ने कहा है कि मैं इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर्स को दूंगा, तो सारा व्यवस्था होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक दो सेमेस्टर तक तो इसको टाइम आने में टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत की जरूरत है इस पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करने में। ये स्टूडेंट्स के लिए एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं 2020 के और 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं 2020-23 और 2021-24 यही स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जो पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपको डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके जाले हुए हैं, देखिए सेमेस्टर वन में क्या डाला गया है, ऑनर्स डाला गया है दो पेपर, उसके बाद एक जनरल इलेक्टिव आपको पढ़ाती है यूनिवर्सिटी, जनरल इलेक्टिव आपको उसको दो सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं, ऑनर्स आपका हर सेमेस्टर में चेंज हो जाता है, उसके साथ आपका 50 मार्क्स का एक बार डाला गया पहले भाषा से डाला गया, जिसमें आप थोड़ा सा भाषा के अंदर आप देखे कि आपने पढ़ा होगा कि हमने एसीसी का जो सिलेबस था उसमें हम आपको बताए थे क्या सिलेबस का नाम था याद नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आपने जाना ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की कहानी थी याद नहीं आ रहा मुझे सिलेबस ठीक है, उसके बारे में आपने जाना ठीक है, उसके बाद देखिए सेमेस्टर टू में आपका एनवायरमेंट से संबंधित आ रहा है ठीक है, सेमेस्टर थ्री में वो हेल्थ से संबंधित आएगा, सेमेस्टर फोर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइफ स्किल से संबंधित आएगा, ये सब जब आप बीए करेंगे तो आपको नौकरी लेने के लिए जरूरी है आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होना, इसीलिए आपके सिलेबस में डाला गया है, और ये आपको कॉलेजों में नहीं मिल पा रहा है। अभी तक आपने जितने भी बीए बीएससी किए हुए स्टूडेंट्स से अगर आप बता दें कि आपके अंदर ये जो 50 मार्क्स का पेपर है जो आपके साथ ऐड किया गया है अगर आपके कॉलेजों में डाला गया है तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि जिसमें आपको डीपली बताया गया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल होता क्या है, एनवायरमेंट क्या होता है, बहुत कम कॉलेजों में, हमने बोल रहे नहीं हुआ पूरा, बहुत कम कॉलेजों में हुआ है, अगर इसीलिए हम बोलते हैं इन सब सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना है, जैसे आप सेमेस्टर थ्री में जाएंगे यूनिवर्सिटी आपको दूसरा जनरल इलेक्टिव पढ़ाएगी, क्यों पढ़ाती है ऐसा, अरे जब तुम कंपटीशन में जाओगे बीए करने के लिए तो इसी से तो क्वेश्चन वहां रहेगा, लेकिन अभी तुम डिटेल में पढ़ नहीं रहे हो, अभी बोलते अरे ऑनलाइन क्लास में तो सर पैसा मांगते हैं, स्टूडेंट फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, और जो आपके पास ऑनलाइन क्लास लाके प्रेजेंट किया जाता है उसको आप तक लाने में बहुत सारा खर्च होता है, बहुत सारा खर्च है, इसलिए बहुत कम कीमत पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी एसकेजी ज्ञान ज्योति द्वारा दी गई है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया कि अगर आप ऑनलाइन क्लास एसकेएमयू के बीए बीएससी के स्टूडेंट को करना क्यों जरूरी है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अपने दोस्तों को एसकेजी ज्ञान ज्योति में ऑनलाइन क्लास करने के लिए इनवाइट करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।